कैसे हैं आप लोग। आज मैंने ट्रेडिशनल मेकअप लुक किया है साड़ी के ऊपर, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ग्लॉसी सा जी जो मेरा लुक है, एकदम नियर से आप देखिए। आज हम इसी लुक को फॉलो करने वाले हैं, आप इसे कहीं भी पूजा वगैरह में, शादी में, कहीं भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, ब्राउन आईब्रो पेंसिल की हेल्प से अपनी ब्रोज को फिल किया है। उसके बाद मैंने कंसीलर की हेल्प से अपने आईज को कंसील कर लिया और अच्छे से आईब्रोज को शेप दे दिया। उसके बाद पिंकिश सा शेड लेके अच्छे से आईज को ब्लेंड कर लिया, क्योंकि मेरी साड़ी में जो ऐसा कंट्रास्ट था। उसके बाद मैंने मैट जो है ऑरेंज शेड लेके इसे पूरी आईज पे, पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लिया। एंड देन थोड़ा सा हाइलाइटर लेके क्या करा, अपने आई बॉल्स पे अप्लाई कर लिया ताकि बिल्कुल हैवी भी ना लगे। उसके बाद एक स्केच आईलाइनर लेके थिन सा आईलाइनर अप्लाई कर लिया। एंड देन मैंने ब्राउन आई शेडो लेके उसे थोड़ा सा स्मच कर लिया ताकि मेरी आईज थोड़ा सा स्मोकी इफ़ेक्ट दे सके। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि अपने आई लैशेज पे मस्कारा अप्लाई करती हूँ आई लैश को वॉल्यूम दिखाने के लिए। एंड देन अपने आईब्रोज जो पॉइंट है उनको भी हाईलाइट कर लेती हूँ। फेस मेकअप में मैंने सबसे पहले एम कैफिन का मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। ये एकदम ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है जो बिल्कुल नॉन ग्रीसी लुक प्रोवाइड करता है मेरे फेस को और 48 आवर्स हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद मैंने फॉरएवर 52 का प्राइमर लिया है और उसे अपने फेस पे अप्लाई किया है। ये हमारे मेकअप को बिल्कुल स्मूथ बना देता है हमारे फेस को, ताकि हमारा मेकअप अच्छे से स्टे करे और हमारे पोर्स को बिल्कुल ब्लर आउट कर देता है। आप देख सकते हैं कितनी स्किन क्लियर सी लग रही है एकदम। उसके बाद मैं क्या करूँगी, स्विस ब्यूटी का कंसीलर लूँगी और अपने डार्क अंडर आई एरिया पे इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी ताकि मेरी स्किन जो है बिल्कुल इवन लगे, क्योंकि डार्क सर्कल वाला एरिया बिल्कुल अनइवन लगता है। इसलिए मैंने, आप देख सकते हैं मेरा फेस बिल्कुल इसी से इवन लगने लग गया है। अब मुझे केबीटी की पैलेट से थोड़ी सी ऐसी नीड थी कि मैं अपने डार्क एरिया में इसको, जहाँ पे मुझे लग रही है डार्कनेस, तो अप्लाई किया। एंड देन स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन लेके अपने फेस पे स्पंज की हेल्प से, वेट स्पंज की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर लिया। एकदम ईजीली जो है ये स्पेंड हो जाता है अच्छे से। उसके बाद मैंने अपने अंडर आई एरिया पे मार्स के ट्रांसल्यूसेंट पाउडर से सेट कर लिया और पूरे फेस को भी अच्छे से सेट कर लिया है ताकि क्रीजेस ना आए। एंड देन मैंने थोड़ा सा पाउडर कॉन्टोर किया है अपने फेस को शार्पनेस दिखाने के लिए, और अपनी जॉ लाइन पर भी जो है मैं पाउडर कॉन्टोर करूँगी ताकि मेरा फेस स्लिम लगे और शार्प दिखे। उसके बाद अपने चिक्स पर मैंने थोड़ा सा ब्लश अप्लाई किया। एंड देन हाइलाइटर जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैंने नोज़ पे, चिक्स पे और अपने चिन पे हाइलाइटर लगाया। थोड़ा सा थिन काजल अपनी आईज में मैंने लगाया है। उसके बाद मैं मेकअप फिक्सर की हेल्प से इसे फिक्स कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैंने लिपस्टिक के ऊपर ग्लॉस अप्लाई की है। ये मेरा फाइनल लुक है और अपनी आई जो है उसमें लैशेस अप्लाई कर ली। आप देख सकते हैं लुक कितना प्यारा लग रहा है। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब